निशाना मार रही, तो सही तो मारना, पैर पे तो लगना, कब फोड़ दिया लेकिन तुम्हें। अई अम्मी, मैं ऐसा कहीं को करूंगी अम्मी। करे ना बेटा, तुम एक काम करो, बाहर सामने बिल्डिंग का काम चल रहा मालूम ना तुम्हारे को, जल्दी जल्दी जाओ, दो गाने डालो, इसके ऊपर डाल दो, तुझे मारी जाती। अगर तुम्हारे उससे भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं हो रही तो आप एक काम करो, छुरी यहाँ है चूल्हे में, जाओ आप सीधा जाके लेकर ऐसा गर्दन काट दो उसकी, खिसेज खत्म हो जाता, सुकून तो मिलता ना तुम्हारे को। अरे अम्मी, मैं नहीं करी अम्मी। क्या नहीं करी बेटा, हमने तो एक अच्छा आइडिया और क्या, चूहों की दवा ले लेके आओ, ले लेके आके जो समा चूहों की दवा खिला दो, आया देखो तुम्हारा चमचा पीछे जल्दी। अरे अम्मी, मैं सच में कुछ भी नहीं करी अम्मी। नहीं करे बोलो ना, को जाके शाम का पका जाओ, क्या ठहरे हुए फिर। क्या हुआ? क्या होता बेटा, ये देखो मारी तो मारी तुम्हारी बीवी, सही निशाना भी नहीं मारी, पैर को लगा भी नहीं उसके। मैं पैर हटा ली बोल के भैया खून खून हो जाता था, दो पैर में भी भाभी वही चीज करे, मेरे को भी गिराना था, अम्मी का पैर जला दिए, मेरे पैर पे फोड़ना था, नानी की आखिरी निशानी फोड़ दिए। ये मैं झूठ नहीं बोलती ना, मालूम ना तुम्हारे को, चाहे जमीन इधर से उधर हो जाओ, दोनों आसमान और जमीन मिल जाओ, लेकिन बेटी मेरी झूठ नहीं बोलती, मालूम है ना। चलो नौते नौते का वो लिखेंगे, आओ तुम मेहनती आदमी, कुछ तो एक काम करो। हाँ, वो क्या बोल रहे थे अम्मा? क्या है? दावत में मैं बोल रही हूँ, कतान के साड़ियाँ ले लेंगे, तेरे दोस्त की दुकान है ना बेटा? हाँ हाँ, बाबा नगर पे जाएंगे, वहाँ जाके ले लेंगे, और जो समा ये क्या बोलते सफारी के कपड़े, ठीक सफारी ले लेंगे। मैं क्या सोच रही हूँ, एक आधे तोले की अंगूठी चढ़ाए तो कैसा रहता रहे? क्या है? मंजा में अंगूठी गई की जी, शादी में चढ़ाते कोई भी, अब तुम सांसक में अंगूठी वो नको भाई, नको हाँ सही भी सही, नको नको भाई, सीधा शादी नहीं तो बलि में मैं कुछ भी बड़ा गिफ्ट दे देंगे भाई, कहीं को दिक्कती जी। अरे अपने को देख रहे हैं लोग, अपन दिख रहे हैं बेगम, क्या देखो जान दे भाई। मैं तुम्हारे को सुनो अब बीच बोल दे रही हूँ, वो फटे कट्टे सड़े मुँह के कपड़े डाल के अगर तुम चलेंगे दावत में, सही बोल रही हूँ मैं, अच्छा नहीं होगा, मेरी बेइज्जती नहीं होना, समझ में आ रहा? लोग देख के बोलना वाह कितने अच्छी है इनो, और इनके शौहर भी बोलना देख के, तुम्हारे बाबा सिले से शेरवानी पहन लेता हूँ। वो नको जरूरत नहीं है, रहने दो, वो आखिरी टाइम पे रखती हूँ मैं, काम में आती ना। जान दो भाई, जान दो कहीं को किरकिरी, जान दो ना भाई, जो भी अच्छी बात कर रही वो करो, क्या है? मैं अच्छी बात कर रही ना रजा, उन्हों कैसा बोल रहे देख मेरे को, कहीं को जी बा कहीं को घस ले रहे तुम, जान दो छोड़ो ना। अरे मैं कभी कुछ भी नहीं बोलता यार, चुप छेड़ रहे मेरे को। मैं ऐसी सुना, मैं दो मुंह की बात करते तुम्हारे बाबा ऐसी बोलते। क्या बोल रहे सुनो, तुम्हारी भाव क्या बोल रही थी अम्मी? मैं ये पूछ रही थी शाम में डिनर में क्या बनाएंगे अपन, तुम्हारा जो समझ में आ रहा वो पका लो बेटा। नहीं अम्मी बोलो, आपकी कुछ फरमाइश है तो बोलो, वही बना देती हूँ। कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारा समझ में आ रहा पका लो, खत्म हो गई बात। निदा क्या बनाएंगे शाम में? भाभी बिरयानी बना लो। बिरयानी बना लो, एक काम करो तुम मेरे को गोश्त कट करके दे दो। कल ही खाई थी बिरयानी, नको बिरयानी, एक काम करो कद्दू का दालचा बना लो। कद्दू का दालचा, ठीक है कद्दू का दालचा बना देती हूँ, तुम कद्दू कट करके दे दो मेरे को। बारिश आ रही नहीं भैया? हाँ जान दो, नको सर्दियाँ हो जाते, सर्दियाँ खांसियाँ हो जाते, एक काम करो कोफ्ते का सालन बना लो। कोफ्ते का सालन बनाओ, एक काम करो थोड़े मसाले है ना मेरे को पीस के दे दो ना। जान दो जी भाभी, पप्पा को एक्सीडिटी होती, एक काम करो दाल चावल ही बना दो। तुम दाल चावल बना देती हूँ, दाल घोट के दे दो और जरा इमली का पानी चढ़ा दो। क्या हो रहा, क्या हो रहा आखिर मेरे को बोलते तुम लोग, क्या हो रहा? बच्ची मेरी आई इन्नी मिन्नी चार दिन रहने के ऐसे, उसमें भी तुम्हारा को हाथ नहीं हो रहा, रोज तुम इच कर लेते ना, नहीं उन्होंने आके करते रोज तुम्हारे उनके घर में से निकल के तुम आके नहीं आके करके जाते हो ना, तुम जाओ खामोश कर लो जा। जी अम्मी बना लेती हूँ मैं। अजी जरा इधर आओ। आ रहा हूँ। देखे अम्मी कैसा जोरू की दुम बन के चले गए भैया,
सब दिख रहा मेरे को, तुम्हारे बाबा भी मेरे इतने दीवाने नहीं थे, उन्हें तो जोरू का पल्लोच पकड़ के फिर रहा। ये दौड़ चल रहा सो है आजकल, क्या बोले जैसा हूँ मैं, मुंह खोली तो कुछ परेशानी हो रही आजकल। देखे पापा, हो बेटा उसको कुछ भी काम होगा बुलाई मरद को, तेरे को सब तेरे सर के तो नहीं रहते ना। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है, तू खुद लड़ ली, तू खुद ऑटो बुला ली, तेरा बैग तू ले ली, ऑटो में बैठी आ गई, सब तेरे सर के नहीं रहते ना। तू मेरा बोलने का मतलब ये, तू हिम्मत वाली है, उन्हें नहीं है। अगर तू भी वैसी रहती तो कल भी तेरी भी न्यूज किस्मत तो भी आ जाती थी। सुन रहे अम्मी, अब अब्बा भी नहीं छोड़ना, ताना मारना। अरे नहीं बेटा, मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे को, तुम हिम्मत वाले है बोल के। मजबूरी दिख रही हूँ ना। अरे अरे न्यूज आया, देखा देखा देख, सास और ननन के टॉर्चर से बहू ने चूहों की दवा डालकर दोनों का कर दिया कत्ल। क्या है जी तुमने, ये न्यूज को छोड़ो जी, छोड़ो। बच्ची को ऐसा बोलते, अपनी एकलौती एक बेटी है, उसका दिल टूट गया ना। उसकी हर गलती को नहीं संभाल लेना बेगम। तुम खामोश बैठो जी, अब जिंदगी भर बिठाते चाहे अभी भी बिठाओ। आप एक बार इधर आओ। क्या हुआ जी, क्या हुआ, बोलो, कहीं को पुकारे वैसा? अच्छा मेरे को आप ये बोलो, आपके मुंह में जबान है? आपके आंखों से दिखता? कानों से सुन सकते आप? या तुम्हारे अंदर की मर्दानगी पूरी को मर गई? काम की बात करो जी, पुकारा ना को करो, कहीं को बोले वो बोलो, क्या करना है? मेरे को ये बोलना है, तुम्हारी बहन मेरे को इतने बातें करी अभी तक बैठ के वहां पर, तो तुम्हारे को इतना से भी मेरे लिए स्टैंड लेना बोल के नहीं हुआ, दिल में नहीं आया जरा भी? अरे स्टैंड कहीं को लीजिए मैं तुम्हारे वास्ते, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथा पर सलामत रखा ना। देखो तुम मेरे से मजाक ना को करो, और मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि मैं मजाक करूँ अभी फिलहाल में। देखो मैं भी तुम्हारे कुछ देर पहले समझाया, देखो भाई तुम उससे घसलो नको, उससे काम कराने की कोशिश न करो, तुम्हारा वार पलट के तुम्हारे पास वापस आता, ऐसे 10 लोगों को हैंडल करी सो है ने, बोला ना मैं तुम्हारे को, तो कहीं को घसली भाई उससे, हम बोले ना, हम आपके अच्छे रास्ते बोले तो आपको समझ में नहीं आया ना, शोहर के नाफरमानी करे तो ऐसी छोता, हम बोले भाई जान दो छोड़ दो, उन्हें आई चले जाती, अपने को क्या करना है, काम से मतलब रखो बोले तो सुने तुम नहीं। देखो और दूसरी चीज, तुम तुम्हारे सास ससुर से लड़के आए, वहाँ काम चोरी करते, यहाँ काम करना पड़ता बोल के ऐसा नको बोलो, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका कुछ भी हम ना देख लेते, तुम उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नको करो, तुम तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे फोकस करो, ठीक है? ज्यादा गुस्सा नको, परेशान हो जानको भाई। बट मैं बोल रही हूँ, मैं उनके नाम पे नहीं जा रही हूँ, बट उनिश मेरे नाम पे बार बार आते जा रहे, तुम्हारे बात से कचरा वापस डाल दे रहे। जान दे भाई, हराम का पना कर रहे ना, लाइट लो भाई, जैसे भी है तुम्हारी छोटी ननंदी है ना जी, जरा दिल बड़ा करो और उसके खिलाफ नको जाओ, उन्हें खुद जो है सो सब पिघल के तुम्हारी तरफ आ जाना, अल्लाह मेरी भाभी कितनी अच्छी है बोल के, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छी बात है, लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ता जी, कभी किसी को झुकना पड़ता, कभी किसी को कुर्बानी देना पड़ता, तुम वो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? जाओ प्लीज, आपका काम कर लो। अच्छी बात है, ठीक है। क्या हैंडल करना पड़ रहा भाई जिंदगी में, पागल हो गया मैं। उम्र सारी मेरी जा मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जा मुझे खबर है, मेरे को जलील कराने के चक्कर में खुद जलील हो गए ना, क्या फायदा हुआ? बेटर यू स्टे अवे फ्रॉम मी, वरना इतना जलील कराती हूँ ना कि जिंदगी में नहीं हुए होंगे। अपनी जगह रहो और रहने दो, चीते की चाल, बास की नजर और लोमड़ी की खोपड़ी है मेरे पास, समझ में आ रहा? और तुम हॉली हंडी, तुम्हारे जैसे 36 को घोल के पी जाती हूँ मैं नाश्ते।